भारत सरकार एवं महानिदेशालय रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार छावनी परिषद सार्वजनिक चिकित्सालय बबीना में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री रोहित सिंह के मार्गदर्शन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम जनता के लिए आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना के प्रमुख चिकित्सक डॉ उमाकांत अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छावनी परिषद चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ नीलम लता, डॉ सचिन देव शर्मा, डॉ ऋषु सिंह, स्टाफ नर्स प्रीति और छावनी परिषद चिकित्सालय के आरएमओ डॉ अशोक कुमार तिवारी ने लगभग 283 मरीजों का परीक्षण किया। बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों के लिए आंख, कान, नाक, गला और दांत संबंधित समस्याओं की जांच की गई। मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की गईं। मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री रोहित सिंह ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उन्होंने शिविर में सहयोग प्रदान करने वाले सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। इस आयोजन में डॉ विवेक सिंह, हरिशंकर महतेले, रजनी वर्मा, करिश्मा सिंह, हेमंत सिंह यादव, मनोज कुमार साहू, साफिया बानो, कैलाशी देवी, नरेंद्र राय, धनीराम साहू और सुनीता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में कार्यालय अधीक्षक श्री सुरेश कुमार कुशवाहा ने सभी आगंतुकों और शिविर में सहयोग प्रदान करने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य शिविर में रघुवीर यादव, अमित यादव, प्रवीण यादव, राघवेंद्र सिंह निरंजन, सतीश चंद्र, दीपा पटेल, पूर्णिमा साहू, शिवम मिश्रा, रविकांत शर्मा, पंकज दीक्षित, भानु प्रताप सिंह, संदीप दीक्षित, हरिश्चंद्र चौरसिया, संतोष साहू, हर्ष हयारण, सावित्री उपाध्याय और विक्रांत श्रीवास्तव जैसे कई लोग उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।